गाइज वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। एक और मैच लली का सेंटर टू लीग का सीवी वर्सेस रियल सोसाइटी के बीच होगा ढाई घंटे बाद। मैच इतना खास लगा नहीं है मेरे को, तो मैं एक ही राय दूंगा कि आप इट्स नॉट ए जैकपॉट मैच ये, तो भाई मेरे को खेलने में भी थोड़ा रिस्की लग रहा है, तो फिर भी अगर खेलना है देन वीडियो आप लोगों के सामने है तो बात करें। है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट मैच की टीम ओपन आ रही है जो अभी 35 मिनट बाद खेला जाएगा। लेट सी दैट हाउ आवर टीम वर्क्स। बस मैं यही करूंगा कि होप आप लोग जीतें। तो बात करें, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रस्तावित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ता हूं आगे, बात कर लेते हैं इस मैच की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल कि यहां पर देखो, जिसने इस सीजन सीईवी को सबसे ज्यादा हराया है वो है रियल सोसाइटी। इस सीजन नहीं, शुरुआती लास्ट पांच मैच की अगर मैं बात करूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सीईवी गोल नहीं करती, सीईवी गोल करती है, उनके रेयर प्लेयर्स गोल नहीं करेंगे एक, और इनके नॉर्मल प्लेयर गोल करेंगे, नॉर्मल प्लेयर जो आप छोड़ोगे, लेकिन आपको वो प्लेयर छोड़ने नहीं है। मैं आपको ये समझाता हूं, पूरा आपको बताता हूं। बात करें सबसे पहले, आपको लगेगा रियल सोसाइटी फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपको बता दूं लली का सेंटर लीग के काफ़ी मैच ऐड नहीं हुए, जिस कारण आपको भूल भी लग सकती है, आपको भूल से आप प्लेयर छोड़ दोगे मेन, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। तो बात करें गोलकीपर की, मैटियस दितूरो को लेने का चक्कर और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी सेविंग। अगर रियल सोसाइटी गोल करती है तो मैं सोचूंगा कि पेनल्टी रुके अगर मेरा प्लेयर ना हो तो, क्योंकि पेनल्टी टेकर लाइनअप्स के बाद पता चलेगा, इनका पेनल्टी टेकर बदल सकता है इन दिनों। तो आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पे है जोसेबा जल्दाओ एंड वन अनदर प्लेयर जो कि है आर्तिस ने ग्रेनेडा को गोल मारा 23 सितंबर को, दो गोल लगाए, जबकि 23 सितंबर के बाद इस टीम के 2 से 3 मैच हो चुके हैं। बेशक वो लली का लीग में हो या ना हुए हों, लेकिन मैचेस हुए हैं। तो यही मैं बात बोलूँगा कि प्लेयर को एक एक चीज़ देखनी है आपने। तो आगे से बात करूँ मुरिलो की, ओपोनेंट टीम का मुरिलो मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सिंगल साइड टीम नहीं बना रहा इस मैच में। जब सिंगल साइड की ज़रूरत होती है उस वक्त मैं बनाता हूँ, जब ज़रूरत नहीं होती उस वक्त मैं नहीं बनाता। तो आगे से बात करूँ मुनोस की, मुनोस को मैं हर बार ट्राई करता हूँ। पिछले मैच में ग्रेनेडा के खिलाफ ये प्लेयर फ्लॉप हुआ था और मुझे इतना दुख हुआ था ना कि जीआरडी से ये टीम बीट हो गई थी। तो आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, तो आपको बता दूँ यहाँ पर एक प्लेयर है जिसको इंजरी हो गई, मैं नाम, हाँ ये प्लेयर है इनका जिसका नाम है मार्टिन को लास्ट मैच में इंजरी हुई है, तो वो नहीं खेलेगा शायद, अगर खेलेगा भी तो अभी हम लेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ सीवी के डैनिस सॉरेस की, तो सॉरेस पे ज़्यादा भरोसा करना भी सही नहीं निकला क्योंकि पिछले मैच में बी मैंडिस गोल मार गया। वो मैं मानता हूँ कि मैंडिस आप लोगों की टीम में था और इसने दो असिस्ट की थी, गोल भी मारा था इसने, वो मारा था दूसरी लीग के अंदर, ललीगार में नहीं, मतलब ये प्लेयर फॉर्म में है। इसने आखिरी मैच में गोल लगाया है और एक मैच हुआ था 26 अक्टूबर को, उसमें इसने 2 असिस्ट की थी, मतलब देखा जाए तो प्लेयर फॉर्म में है एज़ कम्पेयर टू डी सॉरेस, मैंने दोनों को ही ले लिया। एंड मेरिनो की बात करूं, एम मेरिनो को ले लो क्योंकि इनका एक प्लेयर इंजर्ड है एंड वन अनदर प्लेयर पोर्टू, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं बहुत बड़े रिस्क पे बिकॉज ऑफ क्रेडिट इशू, हाईली क्रेडिट इशू। बात करें स्ट्राइकर की, अलेक्जेंडर इसाक को लूँगा, लास्ट के 3 मैच में वापसी हुई और इस बंदे ने आखिरी मैच में 2 गोल किए प्लस 1 असिस्ट, और सेकंड लास्ट मैच के अंदर 1 गोल किया और आई थिंक 1 आधी असिस्ट थी, नहीं असिस्ट नहीं थी, सिर्फ 1 ही गोल हुआ था। एस मीना की बात करूं, सैंती मीना को लूंगा, द प्लेयर इन द फॉर्म एंड आई इस आसपास को क्योंकि ये है पेनल्टी टेकर। सॉरलोथ बहुत अच्छी फॉर्म में, आखिरी मैच में ज़बरदस्त असिस्ट के साथ खाता खोला, गोल भी किया, सेकेंड लास्ट मैच के अंदर असिस्ट देखी मैंने इस प्लेयर की। अब मैं सॉरलोथ को ले ही नहीं सकता यार, इसलिए मैं क्या बोलूँ। और एम ऑजरबेल का श्योर नहीं है खेलना, यहाँ पे थोड़ी मुश्किल है, मतलब स्ट्राइकिंग ऑप्शन कम है। बात करें कैप्टन की, कैप्टन एस्मीना, वाइस कैप्टन इसाक, ये मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।